हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप तमाम व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यू साउंड पर, यू के विभिन्न साउंड पर, विभिन्न उच्चारण पर। दोस्तों, यू का उच्चारण वर्ड के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था ए ई आई ओ के विभिन्न उच्चारणों को, तो उसी तरह हम यू साउंड को भी विभिन्न तरीकों से उच्चरित करते हैं या बोलते हैं। जैसे यू को कभी हम अ, कभी यू, कभी ऊ, कभी उ, कभी यू और कभी ऊ का उच्चारण करते हैं। तो देखते हैं कि किस स्थिति में ये उच्चारण शूट करता है या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा रूल है कि जब शब्दों में कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो, कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो, संयोग हो, तब हम इस यू का उच्चारण अ करते हैं। अ, जैसे यहां पर देखिए, इसे पढ़ेंगे हम लस्ट, बस्ट, बज, फज, क्लटर, फ्लटर, हफ, पफ। इसे स्टब, टब, मम्मी, यम्मी, फजल, कजल, श्लम्बर, लम्बर। उसी तरह बड, स्कड, पर्स, कर्स, रफल, शफल। ये सभी रहा आपका कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट के संयोग वाले शब्द। जैसे देखिए, यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद यू, फिर कॉन्सोनेंट। उसी तरह पहले कॉन्सोनेंट, फिर यू, फिर कॉन्सोनेंट। बस वर्ड में भी देखिए, पहले है कॉन्सोनेंट, बाद में यू, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट। उसी तरह फज वर्ड में भी देखिए, पहले कॉन्सोनेंट, फिर यू, फिर कॉन्सोनेंट। उसी तरह सी कॉन्सोनेंट, सॉरी एल कॉन्सोनेंट, फिर यू, फिर कॉन्सोनेंट। यहाँ पर भी पहले कॉन्सोनेंट, फिर यू, फिर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर देखिए, सभी शब्दों में जब इसका आकलन आप करिएगा तो सभी शब्दों में आप पाइएगा कि कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट कंबाइंड लेटर्स वर्ड्स के अंदर है। और जब ये आप देखते हैं शब्दों में, तब उस यू का उच्चारण अ करेंगे या करते हैं। इन शब्दों को तो आप देख लिए कि यू का उच्चारण अ होता है, और इससे संदर्भित ये रूल भी आप जान लिए कि कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट। अब नेक्स्ट रूल नंबर मेरा है दो। अगर यू के उपरांत एक अक्षर छोड़कर फिर ई आवे, यू के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई आवे, तब इस यू का उच्चारण दो होते हैं, कभी यू और कभी ऊ, कभी यू, कभी ऊ। अब देखिए, क्यूब, ड्यून, म्यूट, ड्यूप, न्यूट, अज्यूम। यहां पर देखिए, यू का उच्चारण यू के ही तरह है, अर्थात नेचुरल साउंड है। और यहां पर कॉम्बिनेशन देखिए, पहले यू है, एक अक्षर छोड़ करके ई है, अर्थात जो छोड़े हुए शब्द है वह बी है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यू है, एक अक्षर यहाँ है और इसके बाद फिर ई है, अर्थात यू के उपरांत एक अक्षर छोड़ करके फिर ई आया है। उसी तरह म्यूट पर चर्चा करते हैं, तो यू है, एक अक्षर छोड़ने के बाद आपको प्राप्त है ई, तो यहाँ पर भी ये छोड़ा हुआ शब्द टी है, तो ये हो गया आपका म्यूट। उसी तरह ड्यूप, न्यूट और अज्यूम।
अब अभी बताया है कि यू का दो उच्चारण होता है इस रूल के अनुसार, इस रूल के अकॉर्डिंग। अब दीर्घ ऊ का उच्चारण देखिए इन शब्दों में, इन शब्दों में देखिए इसे पढ़ेंगे ब्रूट ऊट ब्रूट रूट ल्यूट ड्यूट ब्रूट रूट ल्यूट और ड्यूट। यहाँ पर जो है यू का उच्चारण दीर्घ ऊ के समान किए हैं। अब नेक्स्ट, जब शब्द शब्दों के अंत में यू आर ई आता है तब इस यू का दो उच्चारण होता है, पहला उओ और यूओ, उओ और यूओ। जैसे इन सभी शब्दों में देखिए उओ और यूओ का उच्चारण, जैसे इसे पढ़ेंगे सियो क्यो लियो एसियो पियो मेनियो सियो सियो क्यो लियो अस्योर प्योर मेनियोर। तो आप देखें कि यू आर ई जब शब्द के अंत में होता है तो इसके दो उच्चारण होते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट यू, यू का उच्चारण कभी ह्रस्व ऊ भी होता है। जैसे इन सभी शब्दों में देखिए यू का उच्चारण ऊ है, यू का उच्चारण ऊ ऊ ऊ और ऊ। तो इसे हम पढ़ेंगे बुल फुल पुश पुट और पुशी, बुल फुल पुश पुट और पुशी। अब बिना देखे हुए इंस्टेंटली आप बताएंगे कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आप क्या पढ़ेंगे, पुडल पढ़ेंगे या पडल पढ़ेंगे, पुडल या पडल। जस्ट वन मिनट, एक मिनट, इसे आप पडल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम बताए हैं कि जब कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है तब आप यू को अ पढ़ते हैं, इसलिए इसका उच्चारण होगा पडल पडल, नहीं कि पुडल। पडल मीन्स होता है कीचड़ युक्त छोटा सा तालाब या गड्ढा। तो ये रहा आपका यू के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। To get your rings of precious stones that I-